Good morning, everyone. Good morning, student. Good morning, my teachers. Thank you so much for giving me this opportunity. Actually, I was missing my interaction with students. I am a teacher myself. And I would like students, if you can on your video and we can have interactive session, it will be very great if you on your video. Otherwise, it's okay. It's fine. But I love interactive session with students. So I am starting with the presentation I have made specially for you. Actually, this is a very motivational talk, and I'll love if you will switch on your videos, because it's only for you guys that I have prepared this, because I have seen that if I have known this after passing the school, I would be much more wealthy, I'll say, because I have earned a decent amount of money. But I think that I would be much more wealthy if I know all such things. So the presentation starts with this. I wish I knew this when I passed my school. Even Tanmay Bhatt, many of you might know him. Many of you students might be following the YouTube community. And you must know Tanmay Bhatt. He is very famous YouTuber. He also have made a video, I wish I knew this in my 20s. He's in 30s, and he has also made such video that अगर उसे पता होता कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो अपनी 20s में ही उन चीजों को स्टार्ट कर देता, एंड ही वुड बी अ वेरी वेल्दी मैन. सो यू शुड नो दिस, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट मनी इज एवरीथिंग, बट यू शुड नो व्हाट अपॉर्चुनिटीज लाइफ इज गिविंग यू, राइट? यार एक बात सुनना, दैट वी ऑल वॉन्ट टू बिकम रिच, वी ऑल फियर पॉवर्टी. Like, I fear poverty. मुझे गरीबी से बहुत डर लगता है. I've seen when I was in nursery, when I was in first, I've seen the face of poverty. But we also fear the death of our parents, right? Mind में कभी कभार आ जाता है कि if my father is not here, what will I be doing? मैं क्या करूँगा? And I'll be hopeless, right? Right, students? अब तो वीडियो ऑन करके यू कैन हैव इंटरएक्टिव सेशन, राइट? यू ऑल वांट टू बिकम रिच और नो, राइट? यू कैन आंसर मी यस और नो. यू ऑल वांट टू बिकम रिच, यू ऑल फियर पॉवर्टी, यू ऑल फियर डेथ ऑफ योर पेरेंट्स. कहीं ना कहीं कभी कभार माइंड में जरूर आ जाता है कि यार ऐसा हो गया. ऑल्दो बहुत नेगेटिव सोच है, आई वॉन्ट यू पीपल टू थिंक वेरी पॉजिटिव एवरी डे. डोंट थिंक, आई स्टिल रिमेंबर रजनी मैम सेइंग मी कि यजुर जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग एंड से यू आर द बेस्ट. And life have changed drastically. I really thank Rajni ma'am. She called me. I told her that I feel such negative things, and she told me, I still remember, she told me such things in class 12th. उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि अजर, you are best, you are perfect. ये बात तुम अपने आप को रोज सुबह उठ के बोलोगे. And I have seen my life drastically change. I have scored good in boards. I was able to do my business. I was able to teach. सो लाइफ काफी चेंज हुई. लाइक आपकी टीचर्स की टीचिंग को आप जरूर याद रखें, अपने मेंटर्स के साथ जरूर बैठे. आई नो एल्कॉन में बहुत मेंटरशिप बहुत है, टीचर्स आपके साथ पर्सनल बातें भी आप शेयर करो. लाइक आई एम नॉट सेइंग कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होंगे, होंगे यार, एंड यू मस्ट शेयर इट विद योर टीचर्स, बिकॉज आप लोग यू आर इन सच एज की ऐसी चीजें आ जाती हैं, राइट? बट उस चीज को मेन स्ट्रीम में ना ले जाके, मेन स्ट्रीम में अपने करियर पे फोकस करके. रजनी मैम टोल्ड मी ऑल दिस, राइट? मैं भी किसी फील्ड में चले गया एंड मेरा मेन स्ट्रीम चेंज हुआ, बट शी कॉल्ड मी, शी टोल्ड मी, आई स्टिल रिमेम्बर एवरीथिंग. तो आप अपने मेंटर्स की कभी मत भूलना, राइट स्टूडेंट्स? आई डोंट नो स्टूडेंट्स इफ यू आर एबल टू हेयर मी और नॉट, बट आई वुड लव इफ यू विल रिप्लाई मी एंड इफ वी कैन हैव वेरी इंटरएक्टिव सेशन. सो डोंट वरी अबाउट दिस ऑल सच नेगेटिविटीज. लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. लाइफ में आगे आने वाले टाइम में तुम्हें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुम्हें भी नहीं पता. मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा एंड आई विल बी एबल टू अर्न नथिंग. लाइफ गेव मी सच अपॉर्चुनिटीज एंड जस्ट आई जस्ट वेंट बाय द फ्लो. सो वट टू डू इफ यू स्कोर वेरी लेस आफ्टर 12th? 12th क्लास में नंबर नहीं आए, मार्क्स नहीं आए, बहुत आजकल मार्क्स को लेके है. एंड बीइंग अ टीचर, आई हैव आल्सो मोटिवेटेड स्टूडेंट टू स्कोर वेल. मेरे स्टूडेंट्स के 100 on 100 भी आए हैं, मेरे खुद के नहीं आए, बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प किया ये सब करने में. बट अगर तुम्हारे 12th में ना आए मार्क्स, जस्ट टेक अ सिनेरियो मान लो, और अगर आ भी गए तो क्या करना चाहिए तुम्हें? देखो यार,
एजुकेशन सिस्टम में आने वाले टाइम में एक रेडिकल चेंज आएगा, वो तुम देख ही रहे हो कि कोविड ने काफी रेडिकल चेंज कर दिया एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। बोर्ड्स कैंसिल हुए हैं, कितने साल बाद हुए हैं मुझे पता नहीं, मेरे को तो लग रहा है कि लाइफ में पहली बार ऐसा एक सिनेरियो आया है। बंसल सर से उस दिन बात हो रही थी, वाज टेलिंग मी कि बहुत मुश्किल है 12th के बोर्ड्स कैंसिल होना, बट यू कैन सी द चेंज कि कितना चेंज आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में। एग्जाम्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, एंड इंपॉर्टेंस दी जा रही है आपकी स्किल डेवलपमेंट, इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो अगर आपके मार्क्स आते हैं या नहीं आते, मार्क्स एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। मार्क्स को लाइफ मत मानो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्क्स लाइफ नहीं है। लाइफ में मैंने अभी भी आपको बताया कि लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगी। सो द थिंग इज, अगर आपके मार्क्स नहीं आते या आते हैं, पहले मैं स्टूडेंट्स को कहता था ड्रॉप मत करना, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो फियर्ड, बट आई से कि यार ड्रॉप करो, ट्रैवल करो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, एक डायरी रखो अपने पास, लिस्ट द अपॉर्चुनिटीज कि मैं क्या कर सकता हूँ। मार्क्स नहीं आए, वोकेशनल कोर्सेज आर स्टिल अवेलेबल, डिप्लोमाज आर स्टिल अवेलेबल, गो फॉर वोकेशनल कोर्स, गो फॉर लैंग्वेज कोर्सेज, आजकल बहुत डिमांड है फ्रेंच की, जर्मन की, गो फॉर इट। मतलब मार्क्स नहीं आए, यू कैन गेट ऑल दीज, यू कैन गेट एडमिशन इन नॉर्थ कैंपस अगर आपके मार्क्स नहीं आए फिर भी, बिकॉज लैंग्वेज कोर्सेज में ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं अभी भी। So you can opt for this. Like I was enrolled in St. Stephen for Japanese course, although I didn't finish it, but I was enrolled in St. Stephen. तो मैंने St. Stephen का मजा लिया, मैंने वहाँ जाके लोगों से interaction किया. It is in 2017 that I got enrolled in St. Stephen. So opt for vocational courses. Look for the idea for startup. Idea ढूँढो startup के लिए. Just make a diary. आप अपनी एक diary बनाओ. Just note everything कि ये हो सकता है, travel करो, सबसे ज्यादा एक चीज है जिसने मुझे भी बदला और मैं चाहता हूँ कि आप भी एक चीज कर सकते हो, that is travel, आप travel करो। I'll be sharing a video of Pankaj Tripathi. Pankaj Tripathi ने बहुत अच्छी बात बोली, I think you must have seen this video, आप भी सुनो। 12वीं के बाद हर बच्चे को ना या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करें, लोकल ट्रेन में मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमे, बहुत सस्ता है देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है, बहुत घूमा हूँ हर जगह पे, आपको धर्मशाला गुरुद्वारे मिल जाएंगे जहाँ आप रात गुजार सकते हैं, और वो यात्रा इस देश में घूमना ना आपको कुछ से कुछ बना सकता है। मैं घूमा हूँ, मैं पूरा भारत घूमा हूँ, मैं हर नदी की जहाँ से ओरिजिन है ना, जहाँ से निकलती है वो जगह देखना चाहता हूँ, और जहाँ नदी खत्म होती है ना वो जगह देखना चाहता हूँ। तो बात क्या कह रहे थे, सो द थिंग इज कि अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो पंकज त्रिपाठी इज समथिंग, राइट? एंड ही हैव, आई एम सीइंग हिज वीडियोस, ही सेइंग दैट स्टूडेंट्स यू मस्ट ट्रैवल, गवर्नमेंट करे, आप करो, आपके पेरेंट्स करें, बट यू मस्ट ट्रैवल। ट्रैवलिंग से यू गेट टू नो पीपल, यू गेट एक्सपोजर, यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि कहाँ पे क्या हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीड बुक्स, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। मुझे आज भी याद है, मैं आई वॉज द जज ऑफ ईकॉम बैट एंड आई वॉज गिवन अ बुक, मैं उस बुक को मैंने पढ़ा, एंड थिंग्स चेंज, योर थिंकिंग चेंज जब आप बुक्स रीड करते हो। खाली सब्जेक्ट बुक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, रीड बुक्स कोई अच्छी, लाइक रीड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, देर आर सो मेनी गुड बुक्स, आप उनको पढ़ो एंड ट्राई टू डेवलप अ स्किल। ठीक है यार मार्क्स नहीं आए, डिग्री में एडमिशन नहीं मिला, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, गो फॉर यूट्यूबिंग, गो फॉर म्यूजिशियन, यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स से अगर आप बात करोगे ना, उनके टाइम पर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, एंड सबने कहाँ से स्टार्ट किया, यू विल गेट टू नो कि किसी ने कहाँ से स्टार्ट किया। लाइक माय ग्रैंडफादर वाज अ ऑटो ड्राइवर, नाउ माय फादर कैन अफोर्ड अ ऑडी, राइट? बट द थिंग इज कि किसी ने कहाँ से स्टार्ट किया है, यू डोंट नो। हम लोग, वी आर प्रिविलेज्ड, आई ऑलवेज से दैट वी आर प्रिविलेज्ड, वी हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, वी डोंट हैव टू लुक फॉर मीडियोक्रेसी, वी डोंट वॉन्ट टू बिकम मिडिल क्लास। एंड अपॉर्चुनिटीज अब हमारे पास बहुत ज्यादा है जो हमारी से पहली जनरेशन के पास नहीं थी। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, राइट? एंड इवन कुणाल शाह, यू मस्ट बी नोइंग क्रेड, क्रेड की बहुत ऐड आ रही है, गौतम गंभीर की अभी ऐड थी क्रेड की, मैं इंदिरा नगर का गुंडा, तो कुणाल शाह क्रेड एक है। सो ही ऑलवेज से टू स्टूडेंट्स दैट ऑल स्टूडेंट मस्ट डू स्टार्टअप। मतलब आई थिंक दैट दिस फीलिंग इज सेम, ही एंड आई फील द सेम दैट आप कुछ ना कुछ स्टार्टअप करो, क्या होगा। आई आल्सो रिमेंबर आई स्टार्टेड अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोड्रॉप,
in which I used to sell apparels, clothing on Flipkart. The startup miserably failed. I lost 1 lakh rupees at that time and I was earning nothing. But I started it with my friends, five of our friends. We combined the capital, 5 lakh rupees, and it miserably failed. I still remember the Modrob online branding we used to do. It failed, but you must do startup. The worst thing is that you will become a 10 times better employee. This is the worst thing, that you will get a job, a very decent job, a very decent amount of money you will be earning, but you must do startups. You must look for opportunities. You must start something. Like sitting idle, you are sitting idle in COVID time, right? You are. I can see the number of attendees. Most of the students are not attending classes. I still tell you that those who are attending classes, especially have interaction with your mentors, have interaction with Jyotsna ma'am, Millie ma'am, Rita ma'am, Bansal sir. Bansal sir, aapko lagega, he's very hard, but he's very sweet inside. He tells you everything. Ki ajur opportunity hai. These teachers have motivated me to do all such things. I was very shy kid. I still remember Tara ma'am in my 5th class. I was a very shy kid. She changed me. Ki have interaction with everyone. So you must look for startup opportunities. And see, I'm not bragging about myself that I have earned this much and that much. No, nothing. My idea worked. Simple thing, I started coaching. I know I was very good in economics and business studies. My teacher knew it, that I was very good in economics and business studies. My idea worked. I started with a small room and I made a full-fledged auditorium in which we used to have digital screens. Even in COVID time, my colleagues were not having the number of students. Last year I was teaching, I was having 300 plus students online. My colleagues were like, you are the youngest and you are having... I'm not bragging about me, but the thing is, I was a very dynamic person. I focused on technological upgradation. I started with such a room and I made an auditorium. But my idea worked. But I still know that this, I was talking to Jyotsna ma'am, that my idea worked. Mera idea achha tha, coaching institute achha tha, but iski life bahut short hai. ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, दे हैव अ वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ लाइफ. सबकी नहीं बोल रहा, बिकॉज 11, 12 में बहुत सारे टीचर्स हैं. यू नो, डिमांड और सप्लाई का बहुत सिंपल सा एनालिसिस है. यू विल बी, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम 11th, आई थिंक. सो यू विल बी लर्निंग डिमांड और सप्लाई इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. सप्लाई टीचर्स की ज्यादा है यहाँ पे और डिमांड उतनी नहीं है. लाइक आई विल बी गोइंग फॉर लॉ टीचिंग, वहां पे सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है. तो सिंपल रूल है लाइफ में डिमांड और सप्लाई का. My idea worked, but there were problems. First, I want to tell you that I have left teaching. I am looking for more opportunities. I was earning a decent amount, but still I left teaching. So I'm telling you, when you earn, don't stick to that. We people get to stick to it. We get comfortable. Like, I don't want to share my personal incomes, but I was earning a decent amount, but I didn't stick to it. I don't want to stick to it because opportunities aur bhi ho sakti hain. Bahut sari opportunities ho sakti hain. Ab mera idea fail kyun tha? Fail nahi tha, I was earning good, but mujhe lagta hai ki wo fail tha. Mujhe aaj bhi lagta hai ki wo fail tha because wo ek startup idea nahi tha. Startup idea wo hota hai jo conventional sources se alag ho, kuch alag ho. Like Udemy ek startup idea hai, Unacademy ek startup idea hai. Bahut sare startup idea hain. Mera ye startup idea nahi tha. Main ek just I was running a कोचिंग इंस्टीट्यूट. जस्ट मेरे थोड़े से वेज थोड़े से कन्वेंशनल थे. थोड़े से कन्वेंशनल वेज से मैं टीच करता था एंड नेवर इंटरेस्टेड माय अर्निंग्स. आई नेवर इन्वेस्टेड माय अर्निंग्स. द मेजर थिंग इज आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन सेविंग. मैं एक गाड़ी लेने जाने वाला था, एक बड़ी एक्सपेंसिव सी सेकेंड हैंड कार. My father stopped me. Ki, why you are wasting money? You have to go for masters and you know everything. You have planned everything. So why you are wasting money on the automobile, car? Specifically car. Car is basically a waste of money. Ye mujhe ab samajh aaya. Like, hume bahut achha lagta hai yaar, Fortuner ho, Audi ho, BMW ho. But I think ki jab tak aap bahut zyada earn na kar lo, don't buy such cars. Main kar deta to I would have wasted a lot of money. But I think that I haven't invested. Agar aap dekho to Adani ka share kitna badh gaya hai, Tata Motors kitna badh gaya hai. If I would have invested my car amount in Tata Motors, to aaj meri wealth
बहुत ज्यादा होती है यार. लाइक इफ यू हैव, आई वाज रीडिंग समवेयर, इफ यू हैव इन्वेस्टेड 8 लाख रुपीज इन टाटा मोटर्स लास्ट ईयर, इट वुड बी 85 लाख दिस ईयर. सो यू शुड इन्वेस्ट मनी. एंड आई डिड इट आउट ऑफ फियर. मैंने जो कोचिंग स्टार्ट किया, मैंने फियर से स्टार्ट किया, बिकॉज मेरे को फियर था कि मुझे गरीब नहीं होना है, जो हम सबको होता है कहीं ना कहीं. हमारी थोड़ी सी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हम थोड़ा सा फियर करते हैं कि गरीबी ना आ जाए, पेरेंट्स की डेथ, और रिच बनना है, मीडियोक्रेसी से निकलना है. सो आई डिड इट आउट ऑफ फियर. ये एक मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ कि कभी भी चीज़ें डर से नहीं होती. यू हैव टू बी वेरी बोल्ड और डिसीजन लेने होते हैं. और इस इंस्टीट्यूट कोचिंग में कोई स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं है. मैं, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आई वॉन्ट टू टीच अकाउंटेंसी, आई वॉन्ट टू टीच बिजनेस स्टडीज. मैं बोलता हूँ ज़रूर करो, बट इसमें कोई स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं है. इसमें हमेशा हार्ड अर्न मनी है. यू हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, देन यू विल गेट दी ऑल योर मनी. देयर इज नो स्मार्ट मनी इन्वॉल्व. कुछ ऐसे होने चाहिए आपके पास सोर्सेज जहाँ पे आप इतना काम ना करें बट आपके पास कुछ ना कुछ स्मार्ट मनी आए. दिस इज वट आई थिंक. हार्ड मनी तो हमें करना ही है. देखो लाइफ में एफर्ट्स तो पूरी जिंदगी चलेंगे. हम पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं. आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो 12th के बाद पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे पैसा अर्न करना है. एंड दे आर लाइक कि मैं यार अपने आप को घिस दूंगा, मैं बहुत एफर्ट कर दूंगा. हमें एफर्ट्स करने हैं, ये पूरी लाइफ चलेंगे. ये मेरे एक टीचर हैं प्राइवेट कोचिंग के, ही टोल्ड मी दैट ये जो लाइफ में एफर्ट्स आप पूरी जिंदगी करोगे. ये मत सोचना कि 40 पे रिटायरमेंट है. ये बहुत ही एक मैजिकल सी दुनिया है. वो प्रैक्टिकली नहीं है कि 40s में रिटायरमेंट. यू विल बी वर्किंग. अच्छा, अगर आपने 40s तक बहुत अर्न कर लिया ना, तो आप खुद ही रिटायर नहीं करोगे अपने आप को. यू विल बी अर्निंग समथिंग. रिटायरमेंट तो आप नहीं सोचोगे, बिकॉज ह्यूमन में एक चीज होती है ग्रीड. वो कभी खत्म नहीं होगी. अगर आपको सेटिस्फैक्शन पैसे से मिलती है तो वो तो एंडलेस है. नंबर मैथ्स में डिजिट्स तो है ही नहीं ना लास्ट में. वो तो एंडलेस है कि आप लास्ट तक जाते रहोगे. तो यहाँ पे हार्ड अर्न मनी है. एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आपको स्मार्ट मनी भी मिले. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा पैसा स्मार्ट मनी की तरफ डालो, बिकॉज लाइफ में एफर्ट्स नहीं करोगे. आई वॉज रिसेंटली टेलिंग माई स्टूडेंट्स की 12th class हमें क्या सिखाती है. 12th class हमें सिखाती है एफर्ट्स लगाना, मैनेजमेंट करना, चीजों को कैसे मैनेज करना है. 12th class हमें मेहनत करना सिखाती है, टू बी वेरी शॉर्ट. और कुछ भी नहीं, वो हमें मेहनत करना सिखाती है. हमारे टीचर्स हमें बोलते हैं पढ़ लो, दे आर जस्ट सेइंग कि मेहनत कर लो, क्योंकि लाइफ में आगे वो 12th class हमें प्रिपेयर करती है आगे मेहनत करने के लिए. और कुछ नहीं है. नंबर्स आर नॉट लाइफ, आई एम सेइंग इट अगेन, बट 12th class हमें मेहनत करने के लिए प्रिपेयर करती है. और 12th में मेहनत करोगे तो लाइफ में आगे अपने आप मेहनत करोगे. ये भी एक चीज़ है. एंड यू ऑल्सो नो अबाउट रितिक, ही इज को फाउंडर ऑफ ओयो. He says, invest in your 20s. You can invest in your 20s. You don't have any wife. You don't have any kids. You can take risk. First, invest in yourself. Don't invest your father's money in shares, cryptos. You might be knowing, many of you might be knowing about cryptos and share. But don't invest your father's money. Try to build up your capital and then invest. Like, I have built my capital and now I am investing. So, simple thing is, don't invest your father's money. Or you can take some amount from him. Like if your father is earning a decent amount, you can take 1 lakh, 2 lakh rupees from him or 50,000 rupees from him and start investing just to gain knowledge. Don't look for money at that time. Just start investing. Look for how you can make money. Just start investing, because in your 20s, you can invest. You basically, nothing is at stake, right? अभी बहुत जिंदगी पड़ी है 20s के बाद. एक हमें डर लगता है जल्दी कमाने का. पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी लाइफ पड़ी है कमाने के लिए. सो इन्वेस्ट इन योर 20s. यू कैन टेक रिस्क. अब रिसेंटली एक चीज हुई. अब जब आप लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो इन्वेस्टिंग में दो चीज होती है. एक होती है फोमो और एक होती है ग्रीड. फोमो मीन्स, यू विल बी नोइंग, आप लोग तो स्लैंग लैंग्वेज बहुत यूज करते हो. फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट. कि अगर मेरे दोस्त ने फॉर एग्जाम्पल किसी चीज, फॉर एग्जाम्पल, ही बाय अडानी शेयर एट 125 रुपीज एंड नाउ अडानी शेयर इज 1600 रुपीज. तो हमें फोमो होगा. फोमो मीन्स हमें लगेगा कि हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी. और फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारा बल्क अमाउंट अडानी के शेयर में डाल देंगे जस्ट बिकॉज वी मिस दोस अपॉर्चुनिटी. हमें लगेगा कि हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अब अडानी का शेयर और भागेगा
और हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें, बट ऐसा नहीं होता. फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपका फ्रेंड ले चुका है. तो एक होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, और सेकेंड होता है ग्रीड. पीपल अर्न अलॉट बट दे डोंट बुक प्रॉफिट्स. राइट, इन स्टॉक मार्केट आई हैव सीन पीपल अर्न अलॉट, दे अर्न 1 lakh rupees अ डे बट दे डोंट बुक प्रॉफिट्स. सो आपको कल का नहीं पता, तो बुक सम प्रॉफिट. एंड ग्रीड, ये दो चीजें हैं जो आपको इन्वेस्टिंग करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है. एक है फियर ऑफ मिसिंग आउट और एक है फोमो. अभी आपने देखा होगा कि एक डॉज कॉइन है, इफ यू नो, क्रिप्टो करेंसी. शेयर्स के अलावा एक और इन्वेस्टमेंट आ गया है, क्रिप्टो करेंसी. सो आई विल नॉट बी डीलिंग मच अबाउट क्रिप्टोज की क्रिप्टोज क्या है, बट आई विल बी टेलिंग यू कि डॉज क्या था. डॉज इज अ बेसिकली अ मीम कॉइन. डॉज बना था ये दिखाने के लिए कि लोग किसी भी चीज में इन्वेस्ट करेंगे. डॉज बेसिकली एक क्रिप्टो है, मीम क्रिप्टो, जो एक मिनट में 12,000 क्रिप्टो कॉइन्स आते हैं. लाइक इन बिटकॉइन यू हैव टू डू माइनिंग, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, एल्गोरिदम यूज होते हैं, माइंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू है. राइट, सो जो डॉज है उसमें ऐसा कुछ नहीं है. डॉज इज बेसिकली एक मिनट में बहुत सारे कॉइन्स की सप्लाई है, डिमांड सप्लाई का खेल है. सो डॉज, जस्ट बिकॉज वन पर्सन हु इज एलन मस्क, जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी है, ही बेसिकली ट्वीटेड समथिंग लाइक दिस, डू यू वॉन्ट टेस्ला टू एक्सेप्ट डॉज. लाइक टेस्ला वॉज एक्सेप्टिंग बिटकॉइन पेमेंट्स. टेस्ला जो अपनी गाड़ियों के लिए पेमेंट ले रही थी, टेस्ला स्टार्टेड एक्सेप्टिंग बिटकॉइंस एज पेमेंट मोड. सो एलन मस्क ऐसा ट्वीट करता था, और उससे क्या हुआ, डॉज कॉइन 4 rupees का था एंड इट वेंट ₹55 इन अ मंथ. आप खुद देख लो कि वो कितना परसेंट है. एंड डॉज कॉइन जिसने बहुत स्टार्टिंग में खरीदा था, लाइक इन जनवरी, ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल की, लाइक हु इन्वेस्टेड इन जनवरी, 1800% रिटर्न उसे मिले. फॉर एग्जाम्पल आई विल बी टेलिंग यू, इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड ₹50,000 इन डॉज इन नवम्बर, इट वुड बी नाउ ₹1.5 crore. ₹50,000 वुड बी ₹1.5 crore. बट आई एम स्टिल सेइंग यू, डॉज कॉइन इज अ मीम कॉइन. डोंट इन्वेस्ट योर लाइफ सेविंग्स. ये एक जुआ है, ये एक बेट है. बेट पे आप उतने पैसे लगाते हो जो आप खो सकते हो. ये एलन मस्क से लोग अब दे आर बेसिकली नॉट लिसनिंग टू हिम, और अब डॉज नीचे आता जा रहा है. सो आप अपना पैसा लगाओ, बट ऐसी रिस्की एडवेंचर्स में मत लगाओ. आई इन्वेस्टेड इन डॉज, फोमो. आई टोल्ड यू फोमो हर ह्यूमन को होता है. आज जब मैंने 50,000 टू 1.5 करोड़ बोला, तो सबको हुआ होगा यार, आई वुड हैव इन्वेस्टेड 50,000, तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है. फोमो. सो आई इन्वेस्टेड इन डॉज. सो यू वांट टू नो हाउ मच आई अर्नड? यू रियली वांट टू नो हाउ मच आई अर्नड फॉर डॉज? आई अर्नड ओनली एंड ओनली 2,000 rupees. हाउ? 4 rupees पे इन्वेस्ट किया अप्रैल में, 55 rupees गया, एंड प्रिडिक्शन वॉज कि $1 जाएगा. मुझे लगा ये बढ़ रहा है. आई इन्वेस्टेड मोर मनी. देन डॉज गिरना स्टार्ट हुआ, पैनिक सेलिंग हुई, आई सोल्ड माय डॉज एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ अमाउंट व्हिच आई अर्नड आउट ऑफ डॉज एंड आई जस्ट अर्न 2,000 rupees. इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड, माय 2,000 rupees वुड हैव टर्न्ड इनटू 75,000 rupees. सो सिंपल थिंग, ऐसे रिस्की वेंचर्स में अपनी लाइफ सेविंग मत इन्वेस्ट करना. सिंपल थिंग, आई इन्वेस्टेड 1,900 rupees इन डॉज. I don't invested 1 lakh or 2 lakh. I was never interested to invest here. So I'm just telling you, life will give you opportunities. There are so many Dodge millionaires. Bahut sare log Dodge mein invest karke millionaires ban gaye. You can just read newspapers. Tumhe bahut sari cheeze milengi. Just read newspapers. Aapko pata chalega ki log kitne. One person in USA, he invested 1.5 crore in Dodge. Now he's a millionaire. So there are risky ventures, but I'll not suggest you to go for such risky ventures. Even I'll suggest you to invest in stock market, because it is regulated. I personally don't invest much in cryptos. Simple thing, it is not regulated. Kabhi bhi kuch bhi aata hai na, like China ne ban kiya, cryptos fell. So ye regulated market nahi hai. You are just betting, and I don't bet. Mujhe betting nahi pasand. So go for something which is a little safe, because stock market is not safe. It is a little safe, but it is regulated. Ek regulated market hai. You will be studying in business studies. Bela ma'am hai kya? Bela ma'am will be teaching you. Jyotsna ma'am will be teaching you about SEBI, about trading procedures. Aur bahut dhyan se sunna un cheezon ko. In 12th class,
बहुत प्रैक्टिकल है ट्वेल्थ की बीएसटी, इलेवेंथ की भी है बट ट्वेल्थ की तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा काम आती है रियल लाइफ में, लाइक ट्रेडिंग सही में काम आती है और ट्रेडिंग प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा ऑनलाइन आने की वजह से चेंज हुआ है बट ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक मार्केट में आज भी वैसा ही है। यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर, योर ब्रोकर विल इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर इन ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी। बहुत ढंग से ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी को पढ़ना, फाइनेंशियल मार्केट एक चैप्टर है एंड यू विल एंजॉय दिस बिकॉज अगर मैम तुम्हें बताएंगी ना दैट पीपल मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आउट ऑफ स्टॉक मार्केट, यू विल लव इट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन्वेस्ट मेजर अमाउंट इन लार्ज कैप कंपनीज। देखो लार्ज कैप कंपनीज अगर आप शेयर खरीदोगे आज गिरेगा बट क्या होगा लॉन्ग टर्म, 10 साल बाद वो कंपनी बढ़ जाएगी। नॉट श्योर बिकॉज स्टॉक मार्केट आई एम सेइंग इट इज अ लिटिल सेफ, इट इज अ रिस्की बट इट इज लिटिल सेफ। सो लार्ज कैप कंपनीज में आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, रिलायंस, टीसीएस, दीज आर ग्रोइंग कंपनीज, इनका हिस्टोरिकल पैटर्न देख सकते हो, इनके फंडामेंटल्स देख सकते हो, रिलायंस इज अ डेट फ्री कंपनी, तो आप इनके फंडामेंटल्स देखो बिकॉज इन्वेस्ट मेजर अमाउंट इन लार्ज कैप, सम अमाउंट इन मिड कैप एंड उतना पोर्शन इन्वेस्ट करो पेनी स्टॉक्स में या स्मॉल कंपनीज में जिसको यू कैन अफोर्ड टू लूज। लाइक आई हैव इन्वेस्टेड ओनली 10,000 रुपीज इन पेनी स्टॉक्स, येस बैंक, साउथ इंडिया बैंक, दीज आर पेनी स्टॉक्स, 8 रुपए 9 रुपए के स्टॉक्स होते हैं, दीज आर पेनी स्टॉक्स, बट डोंट इन्वेस्ट मच अमाउंट इन इट। ये मत सोचना बिकॉज पेनी स्टॉक्स ना बहुत ज्यादा रिटर्न दे देते हैं, कई बार 100%, 200%, इवन 500% इन अ ईयर बहुत ज्यादा रिटर्न दे देते हैं रादर देन आई यूज टू डू एफडीज। मैं एफडी बहुत ज्यादा करता था बट रिमेंबर कि कुछ अमाउंट एफडी में भी रखना, कोविड आप सबने देखा है, मैंने भी देखा है, आप सबने भी देखा है, तो ऐसी कभी भी सिचुएशन आ जाती है वी नीड मनी, हॉस्पिटल्स के बिल्स हैं। सो ये मत सोचना कि सारी एफडी ब्रेक कर देंगे बिकॉज स्टूडेंट्स यू विल बी अर्निंग, कभी ना कभी यू विल बी अर्निंग एंड यू विल बी रियलाइजिंग कि मुझे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहिए, और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहिए, यू विल बी लुकिंग फॉर स्टार्टअप्स। आप जरूर करना, थोड़े से पैसे वेस्ट भी होते हैं लाइफ में, इस बात को एग्री कर लो कि हर पैसा आप संभाल के नहीं रख सकते, मनी विल वेस्ट कहीं ना कहीं, कभी कुछ वेस्ट हो जाएंगे, कभी कुछ वेस्ट हो जाएंगे, यू विल बी वेस्टिंग मनी, बट रादर देन वेस्टिंग इट ऑन समथिंग सिली लाइक ऑटोमोबाइल और समथिंग अदर, यू कैन वेस्ट बाय इन्वेस्टिंग, यू कैन बेसिकली सी सम अपॉर्चुनिटीज, कुछ सीख जाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि इन्वेस्ट करोड़, 2 करोड़, 5,000, 2,000, 1,000, जितने का पिज्जा खाते हो ना उतना इन्वेस्ट करो, 300 रुपये इन्वेस्ट करो, 400 रुपये इन्वेस्ट करो, जितना आप लूज करने को रेडी हो कि यार आज मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा या आज मैं पैदल इंस्टीट्यूट चले जाऊंगा, मैं गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा, उतना पैसा इन्वेस्ट कर दो एंड यू विल सी कि ठीक है यू हैव वेस्टेड। अगर वेस्ट हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा इन्वेस्ट कर दो, इस बात को भी याद रखना एंड ग्रीड और फोमो को भी याद रखना। सो सिंपल थिंग इज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी करते रहना, ये मेरी एक मेजर मिस्टेक थी कि मैंने आई सिंपली फोकस्ड ऑन सेविंग्स, एफडी, बिकॉज आई नाउ रियलाइज कि कोविड में एक तरीके से बोलते हैं सेल थी शेयर्स की बट सबको डर था कि और मार्केट गिर जाएगी। सिंपल थिंग इज यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइफ में, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप लोग बहुत सारे आपके माइंड में आता होगा कभी सुसाइड का, कभी कुछ, डोंट एवर गो फॉर दैट ओपिनियन। नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर हो जाओ, पॉजिटिव वो बचपन से सिखाया जाता है, अच्छे बच्चों के साथ बैठो, वो सिंपल है यार, इफ यू विल सिट विद पॉजिटिव पीपल ना यू विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट, यू विल हैव कन्वर्सेशन विद पॉजिटिव पीपल, यू विल बी हैविंग पॉजिटिव इम्पैक्ट। लाइक एल्कॉन ने मुझे बहुत पॉजिटिविटी से फिल किया और ये एल्कॉन के बिना कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। आई इवन से कि कॉलेज में मैंने इतना नहीं सीखा जितना मैंने एल्कॉन में सीखा, एल्कॉन ने बहुत कुछ सिखाया एंड अभी भी टीचर्स फैकल्टी सेम है, दे आर वर्किंग विद एल्कॉन। सो आप लोग जरूर अपने टीचर से इंटरेक्शन करो। मिली मैम टॉट मी इंग्लिश, आज भी मुझे याद कि वो मेरी इंग्लिश उन्होंने मुझे सिखाई थी। तारा मैम आज भी मुझे याद है, फिफ्थ क्लास में इंग्लिश पढ़ाती थी। इंदिरा मैम फर्स्ट क्लास में मेरी क्लास टीचर थी, आई स्टिल रिमेंबर माई टीचर्स। नोरीन मैम हिंदी पढ़ाती थी, सो आई स्टिल रिमेंबर टीचर्स। तो टीचर से भागने से बेटर है कि आप टीचर से बात करो, दीज आर वेरी फ्रेंडली क्रीचर्स, आई विल से दीज आर वेरी फ्रेंडली ह्यूमंस, ऐसा ह्यूमन नहीं मिलेगा बाहर। पता है क्या होगा कि आपके दोस्त भी आपकी कभी कभार आपकी सक्सेस से जलेंगे बट दीज टीचर्स नेवर, कभी भी नहीं, दे लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज, दे विल फाइंड सम वे। आज अगर मैं जाके कुछ बोलूंगा बंसल सर को कि सर आई नीड समथिंग, आई नीड योर हेल्प, ही विल बी विलिंगली, ही विल बी हैप्पी टू हेल्प मी।
सो टीचर्स से आप लोग इंटरैक्ट करो, अभी भी आप लोगों के कैमरा ऑफ है, यू मस्ट इंटरैक्ट विद योर टीचर्स, दे आर वेरी सपोर्टिव, स्पेशली एल्कॉन, मैं एल्कॉन से पढ़ाऊँ तो मेरे को तो पता है एल्कॉन के टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे हैव हेल्प सो मच. राजेश सहगल सर ने SST पढ़ाई है, आई स्टिल रिमेम्बर पॉलिटिकल साइंस लेक्चर्स, प्रवीणा मैम के हिस्ट्री लेक्चर्स आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे याद है, सो मुझे आज भी कहीं इनकी बातें याद हैं. सो आप इनकी बातें ढंग से सुना करो. आई हैव सीन कि जो नई जनरेशन आ रही है, दे हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग टीचर्स, कि ठीक है यार चल रहा है यार, घर में बैठे हैं. अभी भी आप में से कुछ लोग आई थिंक बेड पे बैठे होंगे, सोफा पे बैठे होंगे. यू मस्ट बी वेरी प्रोफेशनल, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो, ठीक है, ज्यादा नहीं, ठीक है, बेड पे बैठे हो, थोड़ा ढंग से टेबल लगा के बैठ जाओ, बिकॉज एक्टिवनेस बहुत जरूरी है यार लाइफ में. अगर आपका स्केड्यूल नहीं होगा ना, ये 12th में नहीं आएगी बात समझ, मैं अभी चार बार बोलूंगा ना, नहीं आएगी समझ, लाइफ आपको खुद सिखाएगी. हम भी ऐसे ही थे 12th में, एंड आप भी ऐसे ही हो, तो लाइफ ही आपको खुद सिखाएगी, लाइफ अपने आप सिखाएगी, एंड यू विल लर्न एवरीथिंग. सो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, यू कैन हैव कन्वर्सेशन विद ज्योत्सना मैम, शी विल फॉरवर्ड योर क्वेरीज टू मी. सो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ लवली टाइम. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच सर. Well, thanks, Yajur, for expressing your heartfelt, practical thoughts and opinions on this platform. I'm sure the students have found it relatable and motivating enough. And the suggestions to explore the present opportunities, which are obviously immense, and by exploring them rather by traveling, by reading, and these are some of your, you know, practical things that you have experienced will benefit our students. And now I request the students, in case you have some doubt, some opinion, some suggestion that you would like to interact with Yajur, please raise your hand and you can ask your question. Okay. Right, I really can't see anyone raising their hand right now. So now I would request Mrs. Rajni Gupta to please come and share a few words. Am I audible? I will request Rajni ma'am to kindly share a few words. She's not there. I really can't. She's there, sir. She's not unmuted. She's muted. Her audio video. Rajni ma'am, please unmute yourself. Mike, she's having some mic problem. She has. You can ask Miss Bela. Bela ma'am. Bela ma'am. Is Bela ma'am here? She's there. And will you just please share a few words with the students? Yes, sure. Thank you so much for inviting me to, continue to what Yajur has said. Yajur, I really appreciate your, practical wisdom, which you have shared with our students. In fact, I'm very, very glad which you have gained during your, I would say, the short span as a teacher, and now as invading more territories in the field of finance, in the field of investments. And I would really appreciate even class 11 students to widen their horizon beyond the textbooks. Textbooks only give you basics. What you learn is through practical knowledge. So as Yajur has said, that start looking for, small investments in the stock market. Nowadays, every new channel has got a separate channel for stock market. And I would advise my, class 11 students to start listening to those news items and start investing the small amounts, like Yajur said, maybe 300 rupees or even 500 rupees. So that would be very nice. So I'm happy, Yajur, that you have shared your experiences and the thoughts with our
you know, new generation with the new students who are, have taken commerce. So I really appreciate your talk. Thank you so much, Yajur. It's only possible because of you. You have taught me all this. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Yajur. Thank you. Bless you, beta. Thank you. Yeah, I think that, yes. Jamila ma'am also wants to say something. She has raised her hand. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Sonika, for giving me this opportunity to speak. Yes, there are so much to say about Yajur. Frankly speaking, I love Yajur very much because he was a classmate of my son. And I always see him like my son, Ananya. But जो भी आज्ञा जो है वो अपनी मेहनत से है. वी आर हियर जस्ट टू मोटिवेट एंड गाइड दीज चिल्ड्रन. बट हिज हार्ड वर्क वट एवर ही इज टूडे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क. ब्लेस यू यजुर. थैंक यू सो मच मैम. गाइडेंस भी मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में मैम. जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं दैट इज रियली वेरी गुड. थैंक यू सो मच कि Alcon ने मुझे इतना गाइड किया. एंड I've just become because what I've learned at Alcon. मैं सबको बोलता हूँ कि स्कूल में जरूर सीखो. Thank you so much. Milly ma'am, I think Jamila ma'am has also raised her hand. Jamila Maryam ma'am has raised her hand. Please ma'am. Yeah, good morning. Thank you so much, Yajur. This is my first interaction with, it's the first time I've heard you speak. Anyway, so thank you for all your nuggets of wisdom. So I just wanted to confirm this. You've been, encouraging students to invest. So a 16-year-old may invest in the stock market in his own right? No, ma'am. Or do they have to be an adult? You 18 plus. You have to be an adult. That's what I'm saying. That's what I was wondering. You're telling 16 years old, 15 years old. That's what I was wondering. No, because I had this doubt. Yes, ma'am. So they have to wait to be 18. Yeah, thank you so much. Thank you. I just wanted to clarify this. Thank you so much. Yajur, may I come in now? Yes. You have been talking about investments. There are large cap funds, mid cap and small cap funds. And then some of the people, who guide us in investing, they also say that you have to keep some amount in liquid funds also. So what percentage should be in liquid and equity fund? Is there some ratio? Sir, there's no ratio as such. There's no basically a general guideline. To be on the safer side. There has to be a ratio between equity and liquid. Sir, you have to see what are your future plans. Okay. If you think that you want to invest in property and you have some plans, so invest more in liquid funds. Ki aap fatafat paisa nikal ke you can invest. Because equity is kabhi kabhi down hoti hai and you must have holding capacity. उस टाइम पे यू हैव टू होल्ड. लाइक माय पोर्टफोलियो वाज इन अ मेजर लॉस इन मार्च ड्यू टू कोविड. दोबारा से आया बट आई हैड होल्डिंग कैपेसिटी. तो डेट फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं. कुछ म्यूचुअल फंड ने इस साल म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया. सो देयर इज नो एसेट गाइडिंग प्रिंसिपल कि आप इतना इन्वेस्ट करो और इतना मत करो. बट यू हैव टू लुक योरसेल्फ. यही सर फाइनेंस का मेजर, फाइनेंशियल प्लानर्स इसीलिए हैं सर. आई थिंक द मेजर थिंग इज what are you aspiring for? What are you looking for? That's the bottom line. I am looking for, I have separated my amount 50-50. Sir, I think, may I, sir, it all depends on your liquidity and income cap and surplus. Am I right, Yajur? Yes, ma'am, yes. It's totally. It's individual specific, sir. There is no set rule as such for stock market. I just need another thing. During your talk, he was emphasizing to invest more in large cap funds. No, that's why I'm asking. The large cap funds, they are basically safe. They don't give a very better return. They'll be giving 10%, 12% return. They'll not be giving 100% return. But last year, say, many retail investors have entered the market. So retail investor ke aane se, large cap companies have also given 25-30% return. Which is more than enough. That your amount is safe. Hai, badi company mein hai, Tata mein hai. Tata Motors October se abhi tak double ho gaya. So it is basically 100% return. So thoda bahut I say thoda bahut invest karo because you will be able to earn a lot. Agar aapke paas time hai aur agar aap bahut dhyan de sakte ho,
तो यू कैन इन्वेस्ट. बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है बट हाँ सर एफडी से ज्यादा. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू ऑलवेज सी एड्स की स्टॉक मार्केट इज रिस्की. I think the yeah. Ma'am, to answer your question, even for children below age of 18, you as a parent can start investing and creating their own portfolio, and you pass on the portfolio to the children once they become 18 years old. Okay, so under guardianship, the way it is in the banks. Yes. And another thing, sir, I just wanted to request Yajur for his opinion on ultra penny stocks. What does he feel about them? First things first, I'm telling you that open an account, you have to open a DMAT account, open an account with a good broker who is not charging a good commission, because now there are discounting broker houses. They are not charging anything or if you invest, like 0% commission, because many brokers are charging. I don't recommend any stock broker, but I am investing on Zerodha platform. So it's a very good platform. So you can make your account and you can gift those stocks to your children when they'll start investing. And secondly, ultra penny stocks, I personally don't invest because I am planning for my master's. So I can't risk my capital at such. And if I invest a very small amount, which I can afford to lose. I'm not investing much in IDEA or I'm not investing much amount. Okay. Thank you. Yes, Jamila, Miri ma'am, please. Is there any student who would like to ask something? So I believe with this, we have reached the end of the session. Thank you everyone for joining in. Thank you so much, ma'am. And for students, there is a quote again to end it. While some people, they talk about making their dreams happen, others are doing it. All right. And we have seen Yajur actually making it happen. And so be a doer and make it happen. Thank you everyone. Maybe, ma'am, I think Rita ma'am is waiting to deliver vote of thanks. Right, it's okay, right, sir. Everybody has interacted with Yajur. It's just a formal vote of thanks. Thank you, Yajur. Thank you. Thank you so much. And thank you all my colleagues for joining. Thank you. Thank you, Yajur. May I end the meet, sir? Yeah, please. Thank you. Thank you.